बढ़ते आगे गुलिस्तान न्यूज की एक और खबर का असर हुआ है। जानकारी उस वक्त की आपको दे देते हैं, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि पुलिस ने कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है। आपको कुछ देर में एसएसपी साहब की बाइट भी सुनवाएंगी, क्योंकि 10 से ज्यादा जगह पर एफआईआर दर्ज की गई है। और ये कहा जा रहा है कि लॉटरी के काम को अब नहीं चलने दिया जाएगा, क्योंकि ये इनलीगल है। और बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लॉटरी के काम को चलने नहीं दिया जाएगा। इस वक्त की ताजा जानकारी और एसएसपी क्या कुछ कहते हैं इस वक्त आपको फटाफट से सुना देते हैं, क्योंकि एसएसपी की तरफ से इस पर बयान भी आ गया है। सुनिएगा क्या कुछ कह रहे हैं। तीन हफ्तों से वी हैव रेडिड सो मेनी हॉटस्पॉट, जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन आई फ्रॉम विजिलेंट पीपल दैट ये इस जगह पे गैम्बलिंग हो रही है। वी हैव कॉट अराउंड 20 पीपल अभी तक जो कि इसमें इन्वॉल्व थे, एंड ह्यूज स्टेक मनी हैज बीन रिकवर्ड। इसका जो आगे का भी है लिंक वो भी मिल रहा है, विच इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके बारे में आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक इट मोर, बट वी नो द प्रॉब्लम, वी आर इन टू इट, वी हैव टेकन एक्शन। इस पे गैम्बलिंग के ऊपर ही हमारी अभी तक लास्ट 2-3 हफ्ते में 10 एफआईआर्स हैव बीन लॉज्ड, एंड वी हैव कैच होल्ड ऑफ सो मेनी पीपल हु आर इनटू दिस। काफी ज्यादा स्टेक मनी भी हैव बीन इन्वॉल्व इसमें हुई है। सर, लाल चौक में कुछ स्टॉल्स जो है खुलेआम लगी हुई है, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई? नहीं, कोई भी ओपन स्टॉल वी विल नॉट अलाउ इट टू हैपन। इफ देयर इज एनी स्टॉल इट हैज टू स्टॉप। लॉटरी इज नॉट लीगल इन स्टेट, इट कैन नॉट हैपन। तो आपने सुना क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज ने पहले एक खबर दिखाई थी जिसका असर देखने को मिला है, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज हर खबर तक आपको पहुंचाता है और ऐसे ही हम लगातार